परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 9वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री भगवान वाच वेदांतो ते गुह्यतम तवक्ष्याम्यनसूयरे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुखम् कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानिवर्तन्ते मृत्युसंसारवात्मनि
मुरा तमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि निशाहंते स्ववस्थितः नतमस्तानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिपां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्मामवस्तव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निवाद्यन्ति धनञ्जय तुरासीनवरासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056।
14 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे पीतमपुरा दिल्ली राम। हरे शरणम 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 मालूम होता है कि हम बद्ध हैं और हरदम बंधे हुए हैं। मुझे नया होना है। वास्तव में बात ऐसी है, हम परमात्मा के हैं, हम मुक्त हैं। स्वयं पहले से संसार ब्रह्म से ब्रह्म रखा है, संसार को अपना मान रखा है ब्रह्म से। ये वास्तव में हमारी स्थिति नहीं है। वास्तव में हम परमात्मा के हैं। भगवान कहते हैं मैं मानसो हो तो भगवान के अंश है। वास्तव में पहले से भगवान के अंश है। सो माया बस भयभूषाई माया बस में हुए हैं। मैं बस में है नहीं पहले से। सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मर कटकी नहीं। तोते और मरकते बंधा हुआ है। तोता बनता है पानी के लोभ से, बंदर बनता है खाने के लोभ से, अन्न के लोभ से, संसार के भोगों के लोभ से हम अन्न में बंध में पदार्थ बंधे हुए हैं और भोगों के वश में हुए हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसमें एक मार्मिक बात है, वो ये है कि बंधन पीछे से हुआ है और मुक्त हो जाते हैं तो बंधन हमारे साथ नहीं रहा। हमारे साथ परमात्मा हरा हरदम रहे। परमात्मा पहले से है और जन्म हुआ उसके बाद में भगवान के साथ रहे और मुक्त होने पर ही भगवान के साथ हो जाते हैं। तो भगवान का सत्य हृदय साथ हमारा निवृत्त नहीं हुआ। हम विमुख हुए भगवान से, परंतु भगवान का साथ हमारा नहीं था पहले। नहीं था ऐसी बात नहीं है, तो रहते पहले से संबंध था, पीछे भी संबंध है, पीछे भी संबंध रहेगा। बद्ध होने पर भी मुक्त बंद रहेगा, मुक्त होने पर मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान के साथ हमारा निरंतर है। जो पीछे से मिल जाती है और पीछे से बिछुड़ जाती है वो चीज हमारे साथ ही नहीं होती। किसी व्यक्ति के साथ में कुछ संबंध हो जाए और पीछे कुछ और मिट जाए तो वो जो संबंध हो जाता है वो संबंध मिटता है, वो संबंध होता नहीं। वो अपनी चीज नहीं होती, ये नियम है। आप रस्ते में जाते पहले भी दृष्टांत दिया था,
मदन बजाते हैं और फिर अगाड़ी दूर हो जाते हैं, तो हरदम साथ रहने वाले नहीं, पहले भी दूर थे, पहले पीछे भी दूर रहेंगे, तो हम साथ रहने वाले नहीं हुए। ऐसे ही बंधन में आए हुए बंधन मुक्त हो जाते हैं, तो भगवान हमारे साथ हरदम रहते हैं और बंधन हमारे साथ नहीं रहता। क्यों? भगवान हमारे जानकारी में नहीं थे, अब जानकारी में नहीं है, मुक्ति में जानकारी में हो जाएंगे, तो वे साथ में रहते हुए भी भूलते हैं केवल भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान से अलग हम नहीं है। क्यों? पहले हमारे साथ में भगवान और पीछे हमारे साथ भगवान और बीच में भगवान, अपनी तरफ से दूर हुए ही नहीं, हमने भूल हुई है, हमारी भूल हुई है, तो हमारी भूल होने से भगवान दूर नहीं हुए, भगवान साथ रहे। और संसार पीछे से सात बार पीछे पहले दूर हो जाएगा, तो पहले दूर उतार पीछे दूर हो जाएगा, वो दूर ही रहा, साथ रहते समय भी वो दूर रहा, और भगवान दूरी समझते हुए भी साथ में रहा। तो भगवान के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इस बात को ठीक समझ ले तो मनुष्य का मुक्ति में उत्साह हो जाए, क्योंकि हम दूर पहले से थे और पहले धीरे दूर होंगे, तो दूर रहना हमारा स्वाभाविक है, भगवान के साथ में रहना ये कृत्रिम है। ये पीछे हुआ हुआ है, ये बंधन पर था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। तो भगवान के साथ हम निरंतर रहते हैं और संसार के साथ साथ हरदम नहीं रहते। थोड़ा ध्यान दें, कोई भी आदमी होता है तो जन्मता है, साथ रहता है, मर जाता है, अलग हो जाता है। कोई ब्याह करके आती है और साथ होते हैं, फिर मर जाती है, दूर हो जाती है, पुरुष वर्ग दूर हो गया। तो संसार मात्र के साथ संबंध पहले नहीं था और फिर संबंध नहीं रहेगा, बीच में संबंध हुआ, वो दिखता संबंध है, वो भी हुआ नहीं, वो साथ में दिखता है। सबकी उम्र बीत रही है, खत्म हो रही है, इस वास्ते हम संसार के साथ ही नहीं है। गीता में श्लोक आया है और भारत में आया है, आदर्श नादा बचास था व्यक्ति, गीता में अव्यक्ता थी भूतानी व्यक्त मध्यानी नदानी, मानो पहले निराकार थे और फिर निराकार हो जाएंगे और पीछे से ही धारण करके साकार पड़े। तो साकार पड़ा नित्य नहीं है हमारा, अभी शरीर धारण किया, शरीर धारण कर शरीर माँ के पेट में बना है और मरेंगे तो यही पड़ा रहेगा, तो वियोग होता है। तो पहले वियोग पीछे वियोग, बीच में संयोग होता है। अभ्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अभ्यक्त ना देवना। तो पहले पैसे होते बीच में रास्ता होती, वो नहीं होती, होती जो हंसता रहती वही। इस वास्ते पहले से हम एक भगवान से संसार से निहारे हुए, पीछे भी निहारे हुए और भगवान सबके साथ में सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में विराजमान भगवान ईश्वर सर्वभूतानम हृदय, तो वो बद्ध हो चाहे मुक्त हो, उसके हरदम भगवान हृदय में रहते हैं। तो भगवान हमारे साथी हुए और संसार में साथी नहीं हुआ। संसार शरीर है, ये एक जाति है और परमात्मा तो हमारी एक जाति है। संसार के शरीर के साथ में नित्य नया वियोग होता है, नित्य प्रति वियोग होता है। वियोग
हम बालिक थे, बालिक बना उपयोग होता, बालिक जवानी आई, जवानी उपयोग दो दी, वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था आई मर गए, और बीमारी और बीमारी ठीक होना, धनी होना निर्धनी होना, इस संसार का प्रत्यक्ष हमारे साथ उपयोग होता है हर समय में। और परमात्मा के जीवात्मा का संबंध कभी विच्छेद हुआ नहीं, ये कभी हुआ होगा नहीं, और कभी अलग हुआ नहीं, कभी अलग होगा नहीं। तो भगवान के साथ हमारी हरदम एकता है, और संसार हरदम मिलता है, वास्तविकता ये बात है। हमने संसार के संबंध को सच्चा मान लगा है, तो ये संबंध हरदम अलग होना हुआ परमात्मा से, और परमात्मा के साथ में संबंध रहे तो उन संबंध सहित होना, हरदम साथ में रहना। तो भगवान हमारे पहले भी साथ में, अब भी साथ में, आगे भी साथ में रहेंगे। संसार पहले साथ में नहीं यार, बीच में साथ, बीच में नया रहा है और अंत में सब पिछड़ जाएगा। तो संसार अलग होना, शरीर से अलग होना, ये तो स्वतः स्वाभाविक है, और परमात्मा के साथ रहना हुआ ये दैव होता है। स्वाते व्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त तथा देव तथा देवना, पहले अव्यक्त था, पीछे अव्यक्त था, बीच में व्यक्त हुआ, तो ये व्यक्त रहेगा नहीं। आदावंते नास्ति वर्तमाने भी तथा, आदि में संसार नहीं, अंत में संसार नहीं, तो वर्तमान में भी नहीं है। क्यों? मात्र संसार का संयोग होता है, वियोग होता है, और बीच में वियोग में संयोग दिखता है। तो आदावंते से नास्ति, जो आदि में नहीं, अंत में नहीं, तो मध्य में नहीं वाला भी है दिखता है, तो है दिखता संसार में। अब हरेक किसी को पूछा जाए तो पहले कहा था याद नहीं है, और मरकर कहा जाए ये याद नहीं है। केवल जीने जीने अवस्था का हमारे को ज्ञान है। तो पहले इनके साथ हम नहीं रहे, पीछे इनके साथ नहीं रहेंगे, तो बीच में भी साथ में मानते हैं, परंतु प्रत्येक क्षण हमारे से वियोग होता है। तो संसार से वियोग और भगवान का योग ये नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, योग नित्य है, क्योंकि संसार के साथ वियोग होता है हरदम। जब आदमी जन्मता है तब से ही अलग होने लगता है, मानो मरने लगता है, मानो वियोग होने लगता है। किसी वस्तु का भी वियोग होता, संयोग होता है, संयोग होते ही वियोग शुरू होता हो जाता है। कोई चीज मिलती है जो आयु वाली है, 5 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, 100 वर्ष का, और 500,000 वर्ष का होगा, तो 1,000 वर्ष के बाद वियोग होगा, वो वियोग पहले से शुरू होता है। जैसे नींद आती है तो नींद से पहले जागृत रहते हैं, और जागने के बाद जागृत रहते हैं, तो बीच में नींद आई, बीच में तो सोना नहीं हुआ, बीच में नींद आई है। इसी तरह से बीच में जागृत हुए हैं, और पहले और पिंता अजागृत है, तो आगे आदि पहला है वो अंत मध्य में भी है, और तो मध्य में भी हम दूर हो रहे हैं, तो संसार साथ हम नहीं है, संसार हमारे साथ नहीं, हम संसार के साथ नहीं, और परमात्मा हमारे साथ, और हमारे परमात्मा के साथ। ख्याल ज्ञाना सीधी सीधी सरल बात है, पहले संसार के साथ नहीं, और फिर संसार के साथ नहीं, बीच में संसार साथ, वो भी बीच में वियोग होता आदम, तो संसार का तो वियोग नित्य हुआ, परमात्मा का योग नित्य हुआ। क्यों? पहले ही परमात्मा सब संयोग है, पीछे भी संयोग है, और बीच में भी संयोग है, इस योग का नाम है योग, नित्य योग, परमात्मा सब नित्य योग हमारा,
क्यों पहले और बीच में अंत में हरदम परमात्मा के साथ वियोग और संसार का संयोग है ही नहीं, वो योग ही वियोग वियोग होता है, पहले भी वियोग पीछे वियोग अंत में वियोग वियोग है, सदा पहले से वियोग पीछे से वियोग। तो पहले से वियोग और परमात्मा से योग तो मुक्ति परमात्मा के साथ में संबंध रहना है मुक्ति, और संसार के संबंध रहना है बंधन। तो संसार साथ में रहा नहीं, भगवान के साथ हरदम रहते हैं, तो स्वतः स्वाभाविक मुक्ति है। तो स्वाभाविक मुक्ति की तरफ ध्यान देने से हम परमात्मा के साथ हरदम रहते हैं, क्योंकि वियोग तो पहले वियोग बीच में वियोग अंत में वियोग, पहले वियोग पीछे वियोग तो पता लगता है, बीच में वियोग ध्यान देने से पता लगता है। हरदम समय बीत जाए जो संसार के साथ में वियोग हो रहा है नित्य निरंतर, और परमात्मा से संयोग है नित्य निरंतर, भगवान के साथ में संबंध हरदम और संसार के साथ संबंध कृत्रिम आदि अंत वाला। अपने लोगों को पैसे माना पहले माना भी पहले कहां से कहां है पता नहीं, पैसे ही साथ में पैसे छूट जाता है, तो अपने दृष्टि में भी सही साथ में नहीं है, क्योंकि जन्म ने पहले शरीर के साथ संबंध नहीं था, मरने के बाद संबंध नहीं रहेगा, तो नित्य निरंतर संबंध रहने वाला नहीं है, और परमात्मा के साथ में नित्य संबंध है, क्यों परमात्मा से अभी अलग थे नहीं, अलग है नहीं, अलग होंगे नहीं, क्यों देखे परमात्मा स्वरूप व्यापक है। अब स्वरूप व्यापक एक आपके शरीर को छोड़ दे तो स्वरूप व्यापक कैसे है, तो सबके शरीरों के साथ में संबंध परमात्मा का हरदम है, और ये मनुष्यों की गिनती के मनुष्यों के साथ संबंध जुड़ता है और बिगड़ता है, तो जन्म मरण रूपी संसार का संबंध ये अनित्य और भगवान का संबंध तो नित्य है। नित्य योग को भगवान योग कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, योग से संज्ञा ऐसा संयोग से वियोग खत्म होता है, सनिश्चय तो वियोग निर्मण चेत सा एकाग्रित निर्मण चेत सा मेरा योग तो संसार से छोड़ो। इस स्थिति क्या हुआ कि भगवान के साथ नित्य संयोग रहा और संसार के साथ नित्य वियोग रहा। जिसको योग संसार को छोड़ना है वो संसार समय दूर है, और जिसको परमात्मा को अपने साथ करना है वे साथ संयोग है, उसका नाम योग है। तो योग भगवान के साथ हरदम रहता है, संसार के साथ हरदम भी योग रहता है, किसी के कारण में भी नित्य संयोग नहीं रहता। और हम परमात्मा के साथ हरदम रहते हैं, हरदम परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, भगवान और संसार हमारे साथ पहले ही नहीं था पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं रहेगा। तो संसार से हम अलग हमें संसार से अलग हमारे से संसार, तो संसार से समझ जोड़ना उसका है मुक्त बंधन, और वो छूट जाता था मुक्ति। तो संसार के साथ समाधान नहीं था और संबंध नहीं रहेगा, और भगवान के साथ संबंध था और फिर नित्य रहेगा, वो कभी दूर नहीं होगा। हमारी भूल हुई है कि उस परमात्मा के साथ में अपने को भी योग मान है, ये हमारी बहुत हुई है कि योग मान रहे हैं, इसको नहीं माने संयोग साथ माने, तो फिर सच्ची बात छूट जाएगी, साफ साफ हो जाएगी, और झूठी बात से एक ऐसे होगी। इस वास्ते बंधन बीच में है दोनों मुक्ति, पहले भी मुक्ति पीछे भी मुक्ति, माया बस भयो सही, माया के वशीभूत हुआ है, माया बस है नहीं है, माया के अद्भुत स्थिति पहले उत्पन्न होती बचती है फिर सिद्ध होता है फिर प्रलय हो जाता है। तो परमात्मा परमात्मा के साथ में हमारा वियोग
है ही नहीं, और संयोग बिल्कुल संयोग योग कहते हैं, परमात्मा के साथ योग है उसको योग कहते हैं, संसार के साथ संयोग कहते हैं, तो संयोग नहीं है वो योग है, और परमात्मा से नित्य योग है, इस वास्ते नित्य योग है, इस वास्ते मुक्ति कठिन नहीं, मुक्ति तो स्वतः है, बंधन तो एकदम छूट रहा, एकदम कोई ऐसा नहीं, मैं संसार का वियोग न होता हो, प्रत्येक क्षण से संसार का वियोग हो रहा निरंतर, अपनी बच्चा अवस्था गई, जवान अवस्था गई, वृद्धावस्था आ गई, फिर व्यवस्था चलते रहते हैं, संसार का वियोग है और परमात्मा का नित्य योग है, और परमात्मा नित्य योग का नाम मुक्ति है, तो वो हमारा नित्य है, स्वाभाविक है, केवल उसे भूल ही भूल, इस बात संसार का बंधा भूल है, भूल होती है बीच में मिट जाती है, आई जाता तो भूल है नहीं, तो बीच में मिट जाती है, फिर मुक्ति है, तो मुंह तो अर्धम हो रहा है और मुक्ति का अनुभव करना है, क्योंकि क्षण परिणाम मनोभाव चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवाय सब प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, दनाया रात है रात है, दनाया रात दनाया रात है, ये भी संयोग होता है, संयोग वियोग, इस बात से सर सूर्य के साथ हमारा नहीं होता, नक्षत्र नक्षत्र है रात में, संसार के साथ वियोग संयोग वियोग संयोग संसार सही है, और परमात्मा के साथ सबका संयोग है, क्यों उसे वियोग है ही नहीं, वियोग का तो वियोग है, उसे संयोग है ही नहीं, क्योंकि पुरानी होती है चीज छूट जाती है, तो मात्र चरण पूरी होती चरण पूरी होती है, दिन ज्यादा हो जाए पुरानी हो गई हो तो संसार के साथ हमारा संबंध विच्छेद है, परमात्मा के साथ संबंध नित्य है, इस बात से साधु को चाहिए भावना बदल दे, हम मुक्त हैं, और ये मुक्त समझ में नहीं आता, इस बात से मेहनत करने से समझ में आती, फिर मुक्त बंद नहीं रहता, परमात्मा के साथ संबंध होने से बहन टिकता नहीं, बंद बंद टिकता ही नहीं, बोल देता ही है, तो मुक्ति हमारे साथ है, मुक्ति हमारे हमारे संसार बंधन हमारे साथ नहीं है, ऐसे ही मुक्ति हमारे साथ है, बंधन बंधन हमारे साथ नहीं है, बीच में जरा हमारे पीछे मर, ये क्या हुआ, ये संसार मात्र का वियोग हो रहा है, दिन प्रतिदिन जिंदगी संसार हो रहा है, पूरी अवधि तो एकदम विजय हो जाएगा, मृत मर्द बिना वियोग अनुभव नहीं होता, संयोग वियोग होता है, परमात्मा महासादम संयोग योग रूप है, उचित योग क्षमता है, क्षमता का नाम योग है, तो क्षमता अब है सब में, सब में बात पूछा तो राग देश नहीं है, यार शोभ नहीं है, ये तो अवस्था है पूछते, तो ये स्थिति दर्दम है, बंद तो बंद रूप संसार तो मिलता और जुलता है, बिनता और बिगड़ता है, बिनता और बिगड़ता है, और हमें पकड़ा है वो पीड़ नहीं, हम सब परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, तेजी से अपने कर्तव्य से परे की तरफ जा रहे हैं, शेर सही नहीं होगा परे हो जाएगा, और परमात्मा से ही संबंध है, सब प्रिय से
वो संयोग हो जा मिलते थे। इस बार संयोग भी होगा मरण तक जीवित मर के अंत में जीव नहीं है, जीव जीव से संबंध है हमारे, वहां मृत्यु नहीं है भगवान के साथ। नारायण 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 नारायण।